पूछो पूछो। हाँ हाँ पूछो सर। कार्मिक लीला कमेटी एक 1923 में आपने आपके पिताजी ने स्वर्गीय पिताजी ने स्टार्ट किया और आज तक आप उनके पालन कर रहे हैं, उनके कदमों पे चल रहे हैं, उनको पालन कर रहे हैं, आज 100 वर्ष पूरे हो गए, उस पर क्या कहना चाहते हैं? और इस भव्य कार्यक्रम में इतना नेता अभिनेता सभी लोग आए, सबने आशीर्वाद दिया श्री राम जी का, उसमें क्या कहना चाहेंगे आप? पहले तो मैं आपको बता दूं कि 1923 में ये रामलीला हमारे पिताजी के दादाजी ने शुरू करी, पिताजी ने नहीं शुरू करी थी, पिताजी ने ये रामलीला संभालनी शुरू करी 1950 में, और उनका निधन हुआ था 2008 में, उसके बाद मैं देखना शुरू कर रहा हूँ। तो हमारा बहुत गर्व है मुझे अपने ऊपर कि हमारी 5वीं जनरेशन हमारी फैमिली की 5वीं जनरेशन ने रामलीला से जुड़ी हुई है, और बहुत और लोग भी हमारे सदस्य जिनके 5वीं जनरेशन इस रामलीला से जुड़ी हुई है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है हमारी कि हमारे कई लोग हैं जो हम 5वीं जनरेशन जुड़े हुए हैं, और सब लोग बहुत प्यार से मोहब्बत से आपस में एक दूसरे के आदर सम्मान के साथ जुड़े हुए हैं, और इस रामलीला को जितनी अच्छे से अच्छे ढंग से प्यार से चला सकते हैं, उसकी कोशिश करते हैं। ये जो रामलीला है आपने इतने वर्षों से करते आ रहे हैं, जो अब की बार का रामलीला उसमें क्या डिफरेंट रहेगा? ट्रेंड तो वही है, पुराने ट्रेंड है सारे, हम कोई नई मॉडर्न चीज़ें नहीं लाना चाहते राम के मंच के ऊपर, पुराने ही अध्याय दिखाते हैं, पुरानी चीज़ें दिखाते हैं, नए करेक्टर तो होते हैं तो बदलते रहते हैं, पर उसका एक मेन चीज़ यही है कि प्रसंग कई सारे हम नहीं जोड़ देते हैं, जो रामायण के अंदर कई प्रसंग नहीं होते रामलीला के अंदर नहीं दिखा पाते, वो हर हर नए नए प्रसंग दिखाने की कोशिश करते हैं। पूरी कोशिश करते हैं, आज 100 साल से हम यही काम कर रहे हैं, हमारे पूर्वज लोग भी यही काम कर रहे थे, हम भी यही कर रहे हैं कि हम जितने भी राम का कार्य है, राम ने जो भी संदेश दिए हैं, राम एक पुरुषोत्तम राम एक व्यक्ति थे जिन्होंने सारा सब कुछ मर्यादा के अंदर सब कुछ करते हुए सब कुछ करा है, वही संदेश सारे देश को सारे वर्ल्ड को पहुँच रहे हैं। शुभकामनाएं, आगे वर्ष निरंतर करते रहें, ऐसी शुभकामनाएं हमारे तरफ से, धन्यवाद।